पाकिस्तानी मुसल्ला अफवाज के तमाम शोबे अपनी भरपूर सलाहियत के मुताबिक वतन अजीज की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। अफवाज पाकिस्तान के तीनों हिस्से यानी बरी, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज ने हमेशा अपने मुतलिक शोबों में अपनी भरपूर सलाहियतों का इजहार किया और अपनी हरबी सलाहियत के बदौलत आलमी तौर पर अपनी अहलियत का लोहा मनवाया। हकीकत यह है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक दिफा के हर शोबे में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान से पीछे रहा। जंगी टेक्नोलॉजी के मैदान में भी हमेशा पाकिस्तानी फौज के जांबाजों ने आलमी माहिरीन के सामने हैरान कुन सलाहियत का इजहार किया। वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए दीगर ममालिक पर इन्हिसार कम से कम कर दिया और ज़्यादातर दिफाई सामान पाकिस्तान के अंदर ही तैयार होने लगा। बरी, बहरी और फिजाई अफवाज के तमाम शोबे अपनी ज़रूरियात का ज़्यादा से ज़्यादा सामान पाकिस्तान में ही तैयार कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि पाकिस्तान ने दिफा के शोबे में काफ़ी हद तक खुद कफालत हासिल कर ली है। पाकिस्तान के अंदर तैयार किए जाने वाले दिफाई हथियारों में JF-17 थंडर सबसे ज़्यादा नुमाया है और इसको आलमी शोहरत तब मिली जब इसके ज़रिए शहर आफाक ऑपरेशन करके अभिनंदन का जहाज़ गिराया गया। इस वक्त से JF-17 थंडर ने दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान ने इसे खुद तैयार किया। पाकिस्तान ने चीन की मदद से इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की और माहरीन के मुताबिक ये तैयारा एक हमा जहत कम वजन 4th जनरेशन मिल्ट्री राइवल एयरक्राफ्ट है। इस तैयारी की तैयारी, जरूरी मुरम्मत और ओवरहॉलिंग की सहूलियत मुल्क के अंदर ही दस्तयाब है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तैयारी की तैयारी के लिए दौरान पाकिस्तान इसके तमाम तर मराहिल अपने इंजीनियर्स की जेर निगरानी मुकम्मल किए गए और किसी भी मकाम पर गैर मुल्की इमदाद की जरूरत पेश नहीं आई। अस्करी हुकाम के मुताबिक यह तैयारा दुनिया भर में कई अहम शोज में भी पजीराई हासिल कर चुका है। यही वजह है कि हर बड़े शो में JF थंडर की फरमाइश जरूर की जाती है। इस वीडियो में हम आपको इस तैयारे और इसकी आलमी सतह पर मकबूलियत और फरोख के बारे में भी बताएंगे। पाकिस्तान ने दिफाई खुद मुख्तारी हासिल करने के सफर में 1995 में इस संगे मील को अबूर करना शुरू कर दिया जब पाकिस्तान और चीन ने JF थंडर के मुतालिक एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी इंजीनियर्स इस तैयारे पर काम करना शुरू कर चुके थे और कलील अरसे में ही यानी 2003 में इसका पहला आजमाइशी मॉडल तैयार कर लिया गया। पाकिस्तानी फिजाइया ने 2010 में इसको बाकायदा तौर पर अपने फिजाई बेड़े में शामिल कर लिया और जल्द ही तैयारी की खसूसियात आलमी दुनिया पर वाजह होती गई। JF-17 थंडर को जिस आलमी नुमाइश में भी पेश किया गया वहाँ कई ममालिक ने न सिर्फ पाकिस्तानी माहरीन की सलाहियतों का एतराफ किया बल्कि इस दुनिया के बेहतरीन तैयारों में शुमार करते हुए अपने ममालिक के लिए खरीदारी के ऑर्डर भी दे दिए गए। JF-17 थंडर की तैयारी के पस मंजर ये बात भी शामिल थी कि पाक फिजाइये के बेड़े में शामिल मिराज, F-7 और 5 तैयारे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके थे लेकिन इन तैयारों की जगह लेने के लिए भी JF-17 थंडर को हर इस खसूसियत से आरास्ता किया गया जो वक्त की जरूरत के मुताबिक थी। दिफाई बहरीन के मुताबिक JF-17 थंडर, F-16 और फाल्कन तैयारे की तरह हल्के वजन के साथ साथ हर किस्म के मौसमी हालात में ज़मीनी और फिजा में अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाला हमा जह तैयारा था। ये दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत से भी लेस है। JF-17 थंडर तैयारों की एक खसूसियत ये भी है कि इसमें वो जदीद रिडॉर नस्ब है जो राइफल की बड़ी खूबी गिनी जाती है। याद रखें, राइफल वो तैयारा है जो भारत ने हाल ही में फ्रांस से हासिल किया। JF-17 थंडर तैयारा हदफ को लॉक करके मिसाइल दागने की सलाहियत भी रखता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये मिसाइल अपने हदफ का पीछा करता है। JF-17 थंडर में जमीन पर दुश्मन की निगरानी और फिजाई लड़ाई के साथ साथ जमीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। माहरीन के मुताबिक इस तैयारे में न सिर्फ रिडॉर निजाम की बदौलत JF-17 थंडर बैक वक्त 15 अहदाफ की निशानदेही के साथ साथ 4 अहदाफ को भी निशाना बना सकता है। ये तैयारा फिजा से जमीन, फिजा से फिजा और फिजा से सतह आप पर हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा दीगर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखता है। पाकिस्तान के साबिक एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से गुफ्तगु करते हुए कहा कि JF-17 की खास बात यह है कि ये बाहर के ममालिक में नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कामरा के मकाम पर तैयार किए गए। वो कहते हैं कि अब इंडिया को मुश्किल सूरत हाल में फ्रांस की तरफ देखना होगा। फिजाई दफाई के आलमी माहरीन के मुताबिक पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका तैयार करदा पाकिस्तानी JF-17 थंडर फाइटर जेट तैयारा के लिहाज से पाकिस्तान में कई ममालिक के पार्ट से ज्यादातर फिजा से कहीं बेहतर है।
यही वजह है कि आर्मी डिफेंस मार्केट में भारतीय तेजस के मुकाबले में JF-17 बहुत कामयाब है और मुस्तकबिल में इसके फरोख के इम्कान भी बहुत ज्यादा हैं। JF-17 दरअसल कम बजट वाले तरक्की पजीर ममालिक की कम कीमत में ज्यादा मौसर। अब जब इसका नया वर्जन ब्लॉक 3 जदीद तरीन AECA रडार के साथ पेश किया जा रहा है तो आलमी मंडी में इसकी डिमांड भी बढ़ने का इम्कान है। JF-17 थंडर प्रोग्राम मुसलसल कामयाबियां समेट रहा है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास 120 से ज्यादा थंडर तैयारे इस्तेमाल की हालत में हैं, जबकि इससे ज्यादा की तादाद के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। इन हकाइक से इन तैयारों की लॉजिस्टिक्स, सर्विसिंग, ट्रेनिंग, अपग्रेडिंग, इस्तेमाल शुदा हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक से तमाम इंजमाम की कामयाबी के एक हमवार अमल साबित हो सकता है। जब से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड में पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे तबाह किए हैं, JF-17 की मांग में तेजी से इजाफा हो चुका है। डिफेंस एयर शो से पाकिस्तान पायलट्स ने JF-17 थंडर की जादुई महारत और कारकर्दगी ने दुनिया को हिला दिया। इसे फिजाई जंग के माहरीन को बेहद मुतासिर किया और इसे पाकिस्तान को एक अच्छा खासा जरे मुबादला हासिल होगा। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री का प्रोग्राम मजीद तरक्की और जिद्दत पजीरी की तरफ बढ़ रहा है। दिफाई ज़राए के मुताबिक कभी इम्कान है कि मलाइशिया, अज़रबैजान, इराक, अर्जेंटाइन JF-17 के जदीद वर्जन ब्लॉक 3 का ऑर्डर भी देंगे। बहुत सारे ममालिक एक कम कीमत टैग, फरोख के बाद सर्विस की फरहमी, फाइनेंसिंग की सहूलत और दूसरे सार्फिन के कामयाब इस्तेमाल की वजह से JF थंडर को अपनी फजाइया में शामिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान के मुसल्ह अफराज अपनी बेहतरीन सलाहियतों की बदौलत पूरी दुनिया को अपनी तरफ मुतवजह किए हुए हैं। हथियारों की सनत में मुसल्ह अफवाज ने आलमी दिफाई मार्केट में अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार किया, जो यकीनन काबिले तहसीन अमर है। नाज़रीन, आप JF थंडर और इसकी आलमी मकबूलियत के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगा करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तआवुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।